हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको डबल अम्ब्रेला बाजू बनाना बताऊंगी बहुत ही इजी तरीके से, तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को पूरा देखें। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने ये देखी सबसे पहले एक कपड़ा ले रखा है, कम से कम 80 सेंटीमीटर के समथिंग कपड़ा ले रखा है। फ्रेंड्स, इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसको डबल में फोल्ड करके रखा है, डबल इस तरीके से डबल में फोल्ड कर रखा है। फ्रेंड्स, इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे और फ्रेंड्स इसको हमें एक बार और फोल्ड करना है। इस तरीके से ये फोर लेयर में हो जाएगा, लगभग एक 4 लेयर में रख दिया है फ्रेंड्स मैंने कपड़े को। फ्रेंड्स, इसमें हमारे दोनों जो बाजू हैं वो बनकर तैयार होंगी और जो डबल में है, जो डबल के लिए है, तो इसमें डबल फुल लेयर में रख लिया है, तो फुल के दोनों के लिए लगभग डबल डबल तैयार बनके तैयार हो जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी मैंने जो लेंथ है वो 8 इंची रखी है और चौड़ाई है वो मैंने 7 इंच रखी है। फ्रेंड्स, आपको अगर आपको ज़्यादा घेर रखना है या फिर ज़्यादा लंबाई रखना है तो आप उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा ले सकते हो। फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने यहाँ पर लगभग 2.5 इंची के समथिंग इस तरीके से निशान लगा लिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मेरा वो ब्लाउज था उसके लेंथ के हिसाब से मैंने यहाँ पर लिया है। फ्रेंड्स, अगर आप कोई ज़्यादा किसी के ब्लाउज़ की ज़्यादा लेंथ होती है मुड्डे की साइड, तो वो उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा ले सकता है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी मैंने जो लंबाई है वो 5 इंची रखी है। फ्रेंड्स, आप अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा या फिर कम कर सकते हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स, सारे हिस्से में हम निशान लगा लेंगे और इस तरीके से सारे तीनों हिस्सों को मिला देंगे। फ्रेंड्स, जहाँ जहाँ से हमने चाका निशान लगाया है वहाँ वहाँ से हम इसको काट देंगे इस तरीके से। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, से आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से इसको काट दिया। फ्रेंड्स, इसको भी हम इसी तरीके से काट देंगे ऊपर की साइड से। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे जो अम्ब्रेला बाजू है वो लगभग 4 लेयर में बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसको हमें डबल इस तरीके से हम इसको काट लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ज़्यादा घेर रखना है तो आप इसी तरीके से सिंगल भी अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर डबल को सिंगल सिंगल कर रखा है। इस तरीके से मैं नीचे डबल में यूज़ करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्रेंड्स ये देखिए दोनों बराबर हिस्सों में हैं अभी। फ्रेंड्स, एक जो ऊपर वाला लेयर है उसको हमें 2 इंची इससे छोटा रखना है इस तरीके। तो फ्रेंड्स, इसकी लेंथ 5 थी तो फ्रेंड्स इसको मैं यहाँ पर 4 इंची पर निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पर 1 इंच हमें इससे छोटा करना है, जो ऊपर वाली लेयर है उसको हम 1 इंच छोटा रखेंगे। फ्रेंड्स, आप 3 लेयर में भी इसको बना सकते हैं, उससे छोटी और 2 इंच करके छोटी भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ डबल लेयर बनाया है। फ्रेंड्स, इस तरीके से हम दोनों हिस्सों को काट देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों के लिए हमें इस तरीके से हमारी जो बाजू है वो बनकर तैयार हो गई और ये जो वाला लेयर है उसको नीचे रखेंगे हम। फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरीके से फ्रेंड्स, इसकी जो गोलाई है अगर हमें कम लगेगी तो हम इसमें कपड़ा टच बाद में कर सकते हैं इस तरीके से। फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कपड़ा टच करने की आवश्यकता है, इस तरीके से मैं इसमें कपड़ा ऐड करके बताऊँगी आपको। मैं इस तरीके से इसमें कपड़ा ऐड कर सकती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कपड़ा ऐड करना है तो हमें दोनों लेयर में कपड़ा ऐड करेंगे इस तरीके से। फ्रेंड्स, यहाँ पर कपड़ा थोड़ा कम था तो मैंने यहाँ पर इसलिए यहाँ पर एक स्वेंट लगा लिया है। इसके ऊपर से भी एक सिलाई ऐड कर देंगे क्योंकि ये अच्छी तरीके से पेस्ट हो जाएगा। इसमें भी हमें इसी तरीके से ऐड करना है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बाजू को भी हमें इसी तरीके से तैयार करना है। यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने एक आपको एक बाजू तैयार करके बताई। मैं यहाँ पर इसको स्टिचिंग करने का भी तरीका बताऊंगी कि किस तरीके से हमें स्टिचिंग करना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने यहाँ पर दोनों में जॉइंट लगा लिया है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने दोनों में तरीके से, ये देखिए आप
लगभग हमारा जो बाजू वाला हिस्सा है उसमें सारे सेम इस तरीके से ही आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब इसको हमें इस तरीके से फेस्ट करना है। इस पर जो छोटा वाला हिस्सा है उसको हमें ऊपर रखना है और जो बड़ा वाला हिस्सा है उसको हमें नीचे रखना है। इस पर किसी हम सारे सेम इस तरीके से सिलाई ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके की बाजू बहुत ही सुंदर लगती हैं, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने इसको फेस्ट कर लिया है। फ्रेंड्स, इसको हमें टेस्ट करना है इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बाजू जो ब्लाउज़ है उसको पहले से ही तैयार कर रखा था। मैं इसको आपको टेस्ट करने का तरीका बताऊँगी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें अटैच करना है इसको। फ्रेंड्स, दोनों हिस्सों में बराबर आना चाहिए, आगे और पीछे बराबर आना चाहिए। अगर थोड़ा सा कम है तो हम इसमें कपड़ा ऐड कर सकते हैं बाद में भी। फ्रेंड्स, इसके जो ऊपर वाले है उस पर आप पीको या फिर सिलाई मशीन से भी ऐड कर सकते हैं सिलाई भी ऐड। यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने घर पर ही इस पर सिलाई ऐड की है। दोनों हिस्सों पर मैंने सिलाई ऐड करके फ्रेंड्स इस तरीके से देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी जो बाजू है अटैच हो गई। दोनों साइड हमें इसी तरीके से अटैच करना है। नेक्स्ट पार्ट को भी हम इसी तरीके से अटैच कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस पर मैंने एक दोनों साइड से सिलाई ऐड कर ली है। फ्रेंड्स, अब इस तरीके से हमें इस पर सिलाई ऐड करनी है इस तरीके से। फ्रेंड्स, आप अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग इस पर सिलाई ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपने ब्लाउज़ के मेज़रमेंट के हिसाब से इस पर सिलाई ऐड की है। ये देखिए फ्रेंड्स, चारों को हमें बराबर हिस्सों में रखना है इस तरीके से। फ्रेंड्स, इसकी जो बाजू है नीचे से ओपन रहती है, इसलिए हमें जो सिलाई है वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फिटिंग का कोई। देखिए फ्रेंड्स, कितनी सुंदर और प्यारी बाजू बनकर तैयार हुई है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स। यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको पहन के भी आपको दिखाया है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी सुंदर बाजू लग रही हैं बनने के बाद। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें।